News 18, India. किसान और खेत मजदूर का कर्ज खत्म कीजिए। मुझे लगता है केंद्र सरकार के मंत्री महोदय मीडिया में तथ्यों को सही रूप में नहीं रख रहे हैं। हम चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी आगे आए और किसानों से वार्ता करें। इसके लिए नए सिरे से कमेटी बनाकर अब सारा मुद्दा ठंडे बस्ते में डालना चाहते हैं तो ये तो उचित नहीं है। C2+50% जो का फार्मूला लगाकर डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार फसलों के दाम दीजिए। किसान और खेत मजदूर का कर्ज खत्म कीजिए। लखीमपुर खीरी देखिए, अभी एक महीना रह गया। हमने बोला आप अगर देश के किसान का हृदय शांत करना चाहते तो उनसे इस्तीफा ले लीजिए, उनके लिए भी सरकार तैयार नहीं है। दूसरी, सभी केस वापस लेने हैं, बिजली संशोधन बिल है और पोल्यूशन एक्ट से किसान को निकालना, फसली बीमा योजना है जिससे अपने बल दम पर सरकार करे, नरेगा है मजदूर की 200 दिन 700 रुपये दिहाड़ी है, विश्व पर संस्था से भारत बार है, 11 मेंबरी जो सूत्री ये मांग पत्र है। लेकिन मुझे लगता नहीं है अभी सरकार सेंसियर है। जो मीडिया में अभी बातें आ रही हैं कि सरकार बोल रही है कि ये जो MSP खरीद की गारंटी का कानून है ये बन नहीं सकता इतनी जल्दी, मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहूंगा ये 23 फसलों के ऊपर MSP अनाउंस करते हैं CACP की रिपोर्ट के अनुसार, सारी कैलकुलेशन होती है पूरे देश से। तो जिन फसलों के आप ऊपर आप MSP दे रहे हैं पहले से अनाउंस करते हैं, कुछ की खरीद करते हैं बाकियों की खरीद नहीं करते, हम तो इतना ही कह रहे हैं ना, उसके ऊपर लीगल गारंटी दे दीजिए भी उस MSP से नीचे हमारी फसल ना बने। तो इसमें कमेटी का तो सवाल नहीं है, CACP की रिपोर्ट आपके पास है, आप पहले चीज अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है केंद्र सरकार के मंत्री महोदय मीडिया में तथ्यों को सही रूप में नहीं रख रहे हैं। हम चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी आगे आए और किसानों से वार्ता करें और जो पिछले 75 सालों से ये बड़ी मांग रही है हमारी उनको मानना चाहिए। और हमने आज भी आपके माध्यम से रखते हैं भी 2012 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे तो वो कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरपर्सन थे, तो उन्होंने जो आज मांग हम कर रहे हैं उनकी सिफारिश की थी कि MSP खरीद की गारंटी का कानून बनना चाहिए। 2018 में मोदी सरकार के समय में जो उस समय के खेती मंत्री थे उनके बड़े अधिकारी की चिट्ठी है हमारे पास भी, हम C2+50% के अनुसार जो फसलों के दाम देंगे। और जबलपुर हाई कोर्ट का निर्णय भी हमने उसके सामने रखा, तो कोर्ट में कोई भी जब मैटर जाता है तो वो पूरी कैलकुलेशन होगी भी आपकी फसल पे इनपुट्स क्या हैं, सरकार का क्या पक्ष है। जब माननीय हाई कोर्ट ने बोला है तो किसी आधार पर ही बोला होगा, तो हमने पहले बोला भी आपके पास सभी चीजें थी और है, इसके लिए नए सिरे से कमेटी बनाकर अब सारा मुद्दा अब ठंडे बस्ते में डालना चाहते हैं तो ये तो उचित नहीं है। और दूसरा, 2 साल पहले आंदोलन हुआ, आपने ये सब मांगे तो पहले मानी हुई कमिटमेंट कर ली हमारे साथ, तो अब उनको लागू करना का समय है तो फिर आप समय मांग रहे हैं तो अनुचित है मुझे लगता है। तो ये सब अब पोजीशन हम चाहेंगे सरकार बल प्रयोग हटाए, आम जैसे माहौल को पैदा करे। हरियाणा पूरी तरह 161 कंपनियां लगी हुई हैं पूरे हरियाणा में, जैसे अब हमने पढ़ा जो राजस्थान है उनके 3 जिलों में भी इंटरनेट को सेवाएं बंद कर दी गई। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी जमहूरियत कंट्री में। हम इस देश के किसान मजदूर हैं, हमें अपनी बात रखने दीजिए। हम आगे आपने हमारी बात माननी ना माननी एक अलग बात है, हम तो चाहे हमारी बात माने लेकिन हमें लोकतांत्रिक तरीके से अपना प्रदर्शन करने का अधिकार देना चाहिए।